प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 3 घनिष्ठ मित्र, ये आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था और समझाया था। तो आज हम इस पाठ की एक्सरसाइजेस करेंगे, बुक में करेंगे। तो आप सबसे पहले बुक में इस पाठ के शब्दार्थ निकालिए। तो बुक में शब्दार्थ निकालेंगे, ये देखिए पेज नंबर 17। इसमें आप घनिष्ठ, पहला वर्ड है घनिष्ठ, मतलब बहुत निकट का। प्रतिदिन, रोजाना। विचार, सोचना। संकट, परेशानी। झट से, जल्दी से। मुक्ति, आजादी। घना, गहरा। योजना, किसी कार्य को करने की तरकीब। होशियार, समझदार। कछुआ, एक जल जंतु। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में पहले पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ 3 घनिष्ठ मित्र, उसका पाठ का हेडिंग लिखेंगे, फिर शब्दार्थ लिखेंगे। ये काम आपको कॉपी में करना है। अब जो मैं आपको बुक एक्सरसाइज करवा रही हूँ, ये आपको बुक में ही करना है। पहली एक्सरसाइज आपको जो बुक में दिखाई दे रही है, ये मौखिक प्रश्न है, इसके बाद लिखित प्रश्न है, ये आपको कॉपी में लिखना है। अब हम बुक के एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बड़ी सी झील कहाँ स्थित थी, आपने पाठ पढ़ा है, गांव के पास, शहर के पास या घने जंगल में। तो कहाँ पे थी, घने जंगल में, यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। चूहे, कछुए और हिरण का चौथा मित्र कौन था, कहानी पढ़ी है आपने, चौथा मित्र कौन था, कौआ। तो आप किस पे टिक लगाएंगे, कौआ पे। इसके बाद नंबर 3, चूहा किसकी पीठ पर बैठकर हिरण के पास पहुंचा, किसकी पीठ पर बैठा था चूहा, कौए की। उस थैले को किसने काटा जिसमें कछुआ बंद था, चूहे ने, है ना, चूहा काट देता है ना, तो किसने काटा था, चूहे ने। तो ये बुक एक्सरसाइज आपको बुक में करना है। इसके बाद अब आप देखिए, किसने किससे कहा, यहाँ चित्र बने हुए हैं, उसके नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको उस सेंटेंस को पढ़ना है और फिर ये बताना है कि ये वाली बात किसने किससे कही थी। पहली वाली देखिए, कछुआ भाई तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, आपने कहानी पढ़ी है, आपको ये वाली बात मालूम है, किसने किससे कही थी, तो हिरण ने कछुए से। चूहे के दांत तेज है, वह जाल काट देगा, किसने कही, कछुए ने मित्रों से। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा, किसने कहा था पीठ पर बैठाने को, वेरी गुड, कौवे ने चूहे से। मैं वहां पहुंचूंगा कैसे, चूहे ने कछुए से। तो ये भी आपको बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है। इसके बाद वाली एक्सरसाइज ये आपको कॉपी में करना है, बुक में भी फिल करना है और कॉपी में भी। कहाँ कहाँ करना है आपको, बुक में भी और कॉपी में भी। आप देखिए इसका जो हेडिंग लिखा है, शब्दों को पढ़िए और उसके समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले, जैसे शब्दार्थ होते हैं ना, वैसे ही उनके शब्द होते हैं या पर्यायवाची शब्द। ठीक है, प्रतिदिन, हर रोज। इंतजार, प्रतीक्षा। खोजना, ढूंढना। आसान, सरल। मुक्त, आजाद। जमीन, भूमि, है ना, ये आपको लिखना है। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ लिखा है मुक्त का आजाद, देखो ज के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगाई है मैंने, है ना, ये ज के नीचे बिंदी नजर आ रही है आपको, तो आपको भी इस बिंदी को लगाना है। ऐसे यहाँ पे देखो जमीन, है ना, जमीन, आपको जमीन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जमीन, तो आपको ये बिंदी जरूर से लगाना है। तो एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, प्रतिदिन, हर रोज। इंतजार, प्रतीक्षा। खोजना, ढूंढना। आसान, सरल।
मुक्त आजाद, जमीन भूमि, ये वाली एक्सरसाइज बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, मतलब जिन वर्ड्स पे अंडरलाइन किया है उसका आपको पहले विलोम शब्द ढूंढना है, फिर उस विलोम शब्द से आपको ये खाली स्थान भरना है। तो आपको इसमें अपना दिमाग भी थोड़ा लगाना पड़ेगा कि जैसे आसान, अच्छी, दूर, इसका विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द का मतलब मालूम है ना आपको, उल्टे अर्थ वाले, सेकंड क्लास में भी पढ़े थे हमने विलोम शब्द। तो जंगल को काटना आसान है पर थैले को काटना, अब यहाँ पे हम आसान का विलोम शब्द लिखेंगे, मुश्किल। अब देखो मुश्किल में जो मात्रा लगी है क में छोटी ही की है और ये आधा श बना हुआ है, तो आपको बिल्कुल सही ढंग से लिखने का अभ्यास करना है। कौवे की हालत अच्छी थी लेकिन हिरण की बुरी, अच्छी का क्या होता है विलोम, बुरी। शिकारी हिरण की तलाश में काफी दूर तक गया, अब दूर का विलोम शब्द क्या होता है ये हम यहाँ पे फिल करेंगे, लेकिन हिरण उसके पास ही नहीं आया। बहुत ध्यान से इस वाले एक्सरसाइज को करना है, इसमें हमें विलोम शब्द से खाली स्थान को भरना है। फिर से पढ़ूंगी मैं एक बार, जाल को काटना आसान है पर थैले को काटना मुश्किल, कौवे की हालत अच्छी थी लेकिन हिरण की बुरी, शिकारी हिरण की तलाश में काफी दूर तक गया लेकिन हिरण उसके पास ही नहीं आया। तो समझ में आया बेटा आपको, ये दोनों एक्सरसाइज आपको, ये वाली और ये वाली, दोनों एक्सरसाइज आपको कॉपी में और बुक में करना है। प्यारे बच्चों, आपने हॉलिडे होमवर्क किया होगा, बहुत अच्छे से वर्क किया होगा, बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क किया होगा, तो आप अपनी जो कॉपीज हैं उनको भी बहुत अच्छे से सैनिटाइज करके रखेंगे, उनमें बिल्कुल धूल मिट्टी नहीं लगने देंगे और जहाँ तक कोशिश हो उनको पॉलिथीन में ही रखेंगे, मतलब उनको आप बाहर खुले में कम रखेंगे। अगर खुले में आप टेबल पे रखते भी हैं तो वहाँ पे एक मोटी पॉलिथीन रख लेंगे, उसके अंदर आप अपने बुक्स और कॉपीज को रखेंगे, और जब भी आप बुक और कॉपी को हाथ लगाएंगे अपने हाथ में सैनिटाइजर लगाएंगे या फिर हैंड वॉश करके अच्छे से 2-3 बार कम से कम हैंड वॉश करेंगे तब आप अपने कॉपी किताबों को हाथ लगाएंगे। अच्छा, ये वाली जो एक्सरसाइज दिख रही है आपको, ये आपको सिर्फ बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है, ये सारे शब्द, फिर ये शब्द, फिर ये सारे शब्द और ये सारे जो वाक्य बने हुए हैं, इनसे आपको एक पूरा पूरा वाक्य बनाना है। ये वाक्य आपको बुक में मिल जाएंगे, आप एक्सरसाइज ये मेरी देख के आप कंप्लीट कर सकते हैं और फिर वाक्य बनाने का अभ्यास अपने आप करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप रफ कॉपी में बार बार करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो आपको बार बार इसको करने की कोशिश करना है। अब जैसे देखो, हिरण यहाँ से एक शब्द लिया, जंगल में सेकंड शब्द लिया, झाड़ियों के अंदर छिप गया, है ना, ये पूरा सेंटेंस बन गया। ऐसे हमको ये सारे सेंटेंस पूरे पूरे बनाने हैं, गलत वाक्य नहीं बनाना है, ठीक है? इसको आप बना के बुक से चेक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ये चित्र दिख रहा है, चित्र को देखकर कहानी सुनाइए, आप इस कहानी को बनाने की कोशिश करेंगे। आपने ये कहानी पढ़ रखी होगी, नहीं होगी अगर आपको पढ़ने में अगर दिक्कत आएगी तो फिर ये कहानी आपको मैं बताऊंगी, लेकिन आज आप इस कहानी को अपने आप से बना के पढ़ने का अभ्यास करेंगे। समझ में आया आपको? वैसे ये कहानी बहुत कॉमन है, आपको चित्र देख के समझ में आ जाएगी कि मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती है ना, और मगरमच्छ बंदर को रोज ताजी ताजी जामुन खिलाता था। समझ में आ गई ना आपको? वेरी गुड, नहीं तो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको ये वाली कहानी एक्सप्लेन करूंगी। प्यारे बच्चों,
घर में रहो, सुरक्षित रहो, मास्क लगा के रहना, घर के बाहर नहीं निकलना, घर में ही खेलना है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है और समय समय पर पढ़ाई भी करना है। धन्यवाद।